मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा की राजनीति में अब आम आदमी पार्टी दो भागों में बटी हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव में 30,000 से भी ज्यादा वोट मिल चुके अल्तमस फैजी की टीम है, तो वहीं अब रौनक खान आम आदमी पार्टी की दूसरी टीम लेकर आने वाले कॉरपोरेशन चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुमरा प्रभाग अध्यक्ष रौनक खान और थाने अध्यक्ष राकेश अंबेडकर अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। करीब 12 लोगों का नाम बताया गया है जो आने वाले चुनाव के लिए तैयारी कर रही हैं। इसी कमेटी इनकी बनाई गई है, मगर मुमरा के आम आदमी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद बगदादी ने लेटर जारी करके जानकारी दी है कि रौनक खान को मुमरा कलवा दीवा से आम आदमी पार्टी की सदस्यता से 6 महीने के लिए पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से इन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। मगर सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई चल रही है और ये दो भागों में बटी हुई मुमरा में नज़र आ रही है, तो ऐसे में आम जनता इन पर किस तरह से भरोसा करे और किसे वोट देकर चुने। बहरहाल ये चुनाव के वक्त जनता खुद फैसला कर लेगी, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मुमरा प्रभाग अध्यक्ष रौनक खान और राकेश अंबेडकर ने लग रहे आरोपों पर क्या कुछ जवाब दिया है आपको सुनाते हैं। मुमरा में जो प्रभाग का हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर बनाया है संगठन विस्तार का, ये संगठन विस्तार हमारा मेन सबसे बड़ा सब्जेक्ट है आज का कि मुमरा में आगामी होने वाले चुनाव की को देखते हुए मुमरा में संगठन विस्तार का कार्यक्रम हमारे थाने पालघर कन्वेनर विजय पंजवानी जी के नेतृत्व में और हमारे थाने शहर कार्याध्यक्ष टीएमसी के जो राकेश अंबेडकर जी के नेतृत्व में और थाने टीएमसी सचिव श्री अरविंद सिद्धाराम सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग संगठन विस्तार कर रहे हैं। रौनक भाई, मुमरा से आम आदमी पार्टी ने लेटर जारी किया है कि रौनक खान को पार्टी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से 6 महीने के लिए उन्हें निकाल दिया गया है पार्टी से, कलवा मुमरा दीवा से। पुलिस स्टेशन में भी उन्हें लेटर दिया गया है, थाने महानगर पालिका में भी दिया है। ऐसा आप क्या थाने की बॉडी में है? मैं बताऊंगा आपको, मैं थाने पालघर पूरा देखता हूँ, तो मैं स्टेट कमेटी के साथ ही रहता हूँ। जो डिफरेंस है जो अभी राकेश भाई ने बताया, ये असेंबली कमेटी हमारी एक अलग होती है और असेंबली कमेटी सिर्फ जब असेंबली चुनाव होते हैं तब उनका जुडिशियल रहता है। अभी जो फिलहाल चुनाव है म्युनिसिपल चुनाव है, तो इसके लिए म्युनिसिपल जो कमेटी बनी है उसको वर्चस्व है और उस तहत अभी रौनक भाई यहाँ के प्रभासन के अध्यक्ष हैं, कार्याध्यक्ष राकेश अंबेडकर जी हैं, तो अभी फिलहाल जब तक म्युनिसिपल इलेक्शन नहीं होते हैं ये कमेटी है वो नहीं वो इलेक्शन की बात अलग है। आप मेरा सवाल है कि मुमरा से MIM आम आदमी पार्टी ने लेटर जारी किया है कि आपको कलवा मुमरा दीवा से आम आदमी पार्टी के पद से जो है वो हटा दिया गया है, उसके बारे में उसका जवाब ये है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, आप बताइए ना, स्टेट कमेटी के रौनक भाई आप क्यों नहीं बता रहे? आप क्यों नहीं बता रहे? सवाल गया है, आप क्यों नहीं बता रहे? क्या बात है? क्योंकि आप ठीक है, आप देखिए मैं ये चाह रहा था कि आपके सवाल जो है उनके ऊपर भी अपने को क्लेरिफिकेशन देना चाहिए। आपका सवाल जो है ना उसमें ये पत्र व्यवहार जो जवाब दे रहा है वो पत्र व्यवहार, देखिए वर्बली कोई सवाल करना ठीक है, आपके पास माध्यम है, मेरे पास माध्यम है कि ये कमेटी कभी बनी है हमारी मुमरा की, जो थाने टीएमसी कमेटी राकेश अंबेडकर जी बनाई उसके बाद से ये सारा प्रोसेस हुआ है। सेकंड चीज़ मैं बता रहा हूँ, उसके बाद ये राकेश अंबेडकर जी का नियुक्ति पत्र है जो स्टेट कमेटी के सचिव ने यहाँ पे दिया है, एक ये पुरावा दे रहा हूँ आपको। राकेश अंबेडकर जी थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कार्य अध्यक्ष है। उसके बाद उसके बाद से एक और चीज़ दिखा रहा हूँ, ये एक गाइडलाइंस आया था धनंजय शिंदे जी जो महाराष्ट्र के सचिव हैं उनके तरफ से एक गाइडलाइंस आया था, आप चाहिए तो, और वो गाइडलाइंस कभी आया 14 अगस्त 2022 को जब दीपक सिंगला जी महाराष्ट्र के प्रभारी जब वो मीटिंग कल्याण में थी वहाँ पे उनकी मीटिंग में तय हुआ कि कोई भी पार्टी के लोग कार्यकर्ता कुछ भी अंडरस्टैंडिंग हो
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो या कुछ भी अपने मतभेद हो छोटे या कुछ भी मतभेद हो, लेकिन आप किसी को भी पार्टी के खिलाफ लेटर पैड का मिसयूज नहीं करना है आपको, और ना ही किसी के अपने कार्यकर्ता को पार्टी से बाहर निकालना है। ये आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र सचिव के 14 अगस्त के गाइडलाइन से उन्होंने ये प्रेस नोट रिलीज किया था और माध्यम से बताया था। तो वो सारी चीजें देखिए, पार्टी का इंटरनल इशू है। यानी कि रौनक भाई आप मानते हो ना इस बात को कि आपस में मतभेद शुरू हो गया? नहीं नहीं, मतभेद कोई नहीं है। ये देखिए, कुछ मिस कम्युनिकेशन भी कहा जा सकता है, जो मिस कम्युनिकेशन हुआ। 6 महीने के लिए आपको हटाया गया है बुमरा कलवा दीवा से, तो अभी आप क्या थाने में बॉडी है? थाने की भी बॉडी डिसॉल्व हो चुकी है। थाने की बॉडी डिसॉल्व हो चुकी है, हाँ या नहीं? नहीं, मैं वही बताऊँ। आपका नाम क्या है सर? इस्लामुद्दीन। इस्लामुद्दीन जी, देखो एक सीधी बात है, आपको इन्होंने एक आपको ये बता दिया है कि कोई किसी को पार्टी से निकाल नहीं सकता है अंटिल एंड अनलेस कोई हीनस क्राइम हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो। तो पहली बात, पहली बात आम आदमी पार्टी ने कैसे देखो किया ये? एक व्हाट्सएप पे मैसेज अगर निकाल नहीं सकता तो आप उसके खिलाफ कुछ कर रहे हैं? आपने सवाल पूछा, उसका जवाब तो देने दीजिए, दूसरा सवाल बात पूछिए, पहले पूरा तो करने दीजिए। सही है, कर लूं। सही है, पूरा करने दीजिए। तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के एक दो लेटर यहाँ वहाँ जारी करके वो नहीं होता। लेटर जारी करना मतलब बहुत बड़ी बात होती है सर, बड़ी बात होती है, लेकिन आप उसके ऊपर लीगल एक्शन क्या लेंगे? वो हम पार्टी तय करेंगे क्या लीगल एक्शन लेना है, वो हम तय करेंगे कि क्या करना है। दूसरी बात आपको बता देता हूँ कि ये निकाल नहीं सकते जब तक कोई कुछ नहीं, मतलब स्टेट कमिटी के पास ही अधिकार है किसी को भी निकालने का। तो कोई भी लेटर जारी करके, कोई भी अपना पद बता के मैंने इसको निकाला और दो जगह लेटर दे के कुछ नहीं होता। मतलब आप बता रहे सर कि अल्तमस फैजी ने अपने लेटर का मिसयूज किया? अभी देखो, मैंने आपको नाम तो नहीं बताया है, तो आपको मैंने क्या नाम लिखा है? स्टेट कमिटी ने क्लियर इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे कोई किसी को नहीं निकाल सकता है जब तक कोई उसके ऊपर आरोप सिद्ध ना हो, और वो भी आरोप ऐसे आरोप होने चाहिए कि जिससे पार्टी के विचार तत्व के विरुद्ध हो। तो रौनक भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया है। बाकी जो सवाल आपको पूछना है वो आप उनको पूछ सकते हो। जो जवाब हम लोग, जो जवाब पार्टी में मतभेद शुरू हो चुका है, मतभेद देखो, मतभेद जो लेटर है उन्होंने पुलिस में दिया हुआ है, हमने भी पुलिस में दिया है कि हम यहाँ पे यहाँ पे पुलिस को हमने भी लेटर दिया है, यही पूरा कॉपी हमने काम कर दिया है उन्होंने। अच्छा ये बताइए, आप लोग मुमरा के लिए आए हैं, यहाँ बॉडी बना रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, लेकिन जब आम आदमी पार्टी के ही दो धड़ अलग अलग, एक धड़ से दो मुंह अलग अलग है, दोनों अलग अलग तरह से बात करेंगे, तो सुनिए, चुनाव में जनता कैसे फैसला करेगी? वो जो मतभेद जो आप बोल रहे हो ना, वो जो मतभेद बोल रहे हो ना, हर घर पे मतभेद होते हैं। घर की बात अलग है, सुनिए सुनिए, आप एक मिनट एक मिनट, आपने सवाल पूछा है तो जब तक मैं ये नहीं बोलूं कि मेरा खत्म हो गया। हाँ, आप दूसरा सवाल मत पूछिए, सवाल सवाल घुमाइए मत ना, घर और सवाल को उलटकर मत दीजिए ना सर। नहीं, मेरा जवाब चल रहा है, मैंने खत्म नहीं किया। जब हर घर में जब एक तीन चार लोग होते हैं तो वहाँ पे भी मतभेद होते हैं, थोड़े बहुत अनबन होते हैं, ये तो पार्टी है। तो पार्टी में जब पार्टी में पत्र व्यवहार कर दिया उन्होंने, जब लोग, मैं आपको बताया, वो उस पे कार्रवाई होगी, उस पे कार्रवाई होगी। आप बोलते हैं कि फैजी साहब का नाम मत लो, फैजी साहब का उसमें नाम मेंशन है। हमने क्या कहा आपको? जो सवाल हम नहीं बोलेंगे फैजी साहब का नाम, सवाल वहाँ पे पूछिए, हम जो बता सकते हैं बोल सकते हैं। हाँ देखिए, हम उन्होंने क्या कि हमको नहीं, जिसका उस पे नाम है, वो जो आप नाम बोल रहे हैं वो नाम नहीं है, मोहम्मद पार्टी में एक्टिव होना क्या ये एंटी पार्टी एक्टिविटी है क्या? अगर आप ये कारण देकर रीजन निकाल रहे हो तो ये गलत है, और ये एंटी पार्टी एक्टिविटी वो कर रहे हैं कि एक बंदा अगर कोई आ रहा है तो आप उसको कैसे निकाल रहे हो? देखो, बहुत सारे सवाल आपको पूछने चाहिए, आप हमें नहीं पूछने चाहिए। क्या एंटी पार्टी एक्टिविटी इन्होंने किया है? आपको पूरा लेटर्स आपको बताया विद ऑफिशियल लेटर। नहीं, हम लोग उस टाइम पे पूछेंगे जिस टाइम पे जरूरत रहेगी, अभी तो जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने लेटरबाजी की है। अभी बीच में एक तो अभी कुछ साल भर से फिर एक्टिव हुई, लेकिन 2-3 साल में फिर गायब थे, लेकिन उनकी एक्टिविटीज चल रही थी, तो ये 2-3 साल वो कहाँ गायब?
हुसैन भाई, ये सवाल आपका अच्छा है कि अभी 2019 के चुनाव में आपने देखा कि मेरी रणनीति क्या थी। मैं मुंब्रा कड़वा का अध्यक्ष होने के नाते पूरी टीम के साथ में मैंने काम करके मुंब्रा के लोगों तक मैंने आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट किया है। 19 के बाद 20 में तो कोविड था, कोविड में कोई दिखा आपको? दो साल तो कोविड, 21 में भी कोविड था और 21 के एंड से मैं भी एक्टिव हूँ। पार्टी के हर एक प्रोग्राम को ऊपर के लेवल में मैं जाता हूँ और हर एक एक्टिविटी में रहता हूँ। वो आपके भी नॉलेज में कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैं किसी प्रोग्राम में नहीं गया हूँ, वो एक अलग इशू हो गया भाई। आपके पास भी टाइम है, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जा पाते हैं, कहीं लेट पहुँचते हैं, वो एक मुद्दा अलग है। अगर देखिए मुंब्रा के हित में जो काम अगर हम लोगों ने अभी स्टार्टअप लिया है कि मुंब्रा में प्रभाग का विस्तार कर रहे हैं। दूसरी बात, हम लोगों ने फ्राइडे दोपहर को 3 बजे से 6 बजे तक, फ्राइडे सैटरडे 3 से 6 और संडे को सुबह 11 बजे से 6 बजे तक आम आदमी पार्टी के ये जनसंपर्क कार्यालय में वोटर आईडी का कैंप फ्री लगाया जा रहा है। उसमें करेक्शन ऑफ फॉर्म भरे जाएंगे, ये फ्री काम करेंगे हम लोग। नए लोगों का फॉर्म 6 नंबर भरेंगे यहाँ पे ऑनलाइन। हमने पूरे पार्टी के लोगों को ट्रेनिंग देके और अपने लोगों का काम को ये प्रोसेस में रखा है। और मेंबरशिप फॉर्म की जो एक्टिविटी है जो आप बता रहे हो अभी, यहाँ पे सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि जो आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हो, ये महाराष्ट्र की बॉडी आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस सहमत है? मुंब्रा में जो पार्टी पहले की है डॉक्टर फैजी वाली, उसकी जानकारी में है आपकी पार्टी? आपने सहमति ली है उनसे? यहाँ पे रख रहे हैं बिल्कुल है। आपने उनसे सहमति ली? बिल्कुल सहमति ली। तो यहाँ पे जनता कंफ्यूज होगी, उससे उसके लिए आपको मैंने बताया। देखिए हमारे इधर दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक असेंबली का स्ट्रक्चर होता है, असेंबली का स्ट्रक्चर स्टेट कमेटी देख रहा है। और अभी जो टीएमसी के चुनाव है, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पूरे थाने पूरे महाराष्ट्र में जो होता है, वो हर एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का कार्याध्यक्ष अपॉइंट हुआ है। तो उस तरह थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का कार्याध्यक्ष राकेश अम्बी करेंगे। अब यहाँ पर जो भी कमेटी बनेगी, जो भी पदाधिकारी बनेंगे, वो नियुक्ति राकेश अम्बी करके हाथ में, उनको सिर्फ इंटीमेशन देना है, उनको वहाँ से उनको कोई ऑर्डर नहीं लेना है, उनको खाली इंटीमेशन देना है स्टेट कमेटी को कि मैंने इनको इनको अपॉइंट किया है, इनके पास पूरी अथॉरिटी है। भाई आखिरी सवाल, राकेश भाई आखिरी सवाल, ये जो आपस में जो मतभेद है उसको लेकर आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ है वो आके मुंब्रा में इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले को हल करें, ऐसा कोई मामला पैदा होगा ना? बताइए। नहीं, जब हम लोग बातचीत करेंगे, देखो हर कोई जगह पे हर पार्टी में ये मतभेद होते हैं, अनबन होते हैं। सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा, मैं आपको ही बता रहा हूँ। तो ये हमारी चर्चा होगी, विचार विमर्श होंगे, चाय पीने जाएंगे, खाना खाने जाएंगे और ये सब हमारे जो भी है वो हम खत्म करेंगे। हमारी तरफ से कुछ नहीं, उससे पहले तो इलेक्शन हो जाएंगे सर, नहीं है, और जो भी है वो हम खत्म करके बाद में हम उसको क्लियर कर लेंगे और फिर उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ में बैठ के लेंगे। सर आपको हमको भी चिंता है सर,